नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। कभी कभी सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं होता तो कुछ नया खाया जाए, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा। पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए हमने ये स्लाइस लिए हैं चीज़ के, थोड़े से कॉर्न लिए हैं, प्याज बारीक कटा हुआ, गाजर कद्दूकस की हुई, टमाटो, ये बिल्कुल इनका बीज और पल्प निकाल दिया है और बिल्कुल ऐसे लेना है। और हरी मिर्च मैंने डाली है, लेकिन ये ऑप्शनल है, पिज़्ज़ा में डलती नहीं है, लेकिन मेरा को अच्छा लगता है इसलिए डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैजरोला चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस, टोमेटो सॉस, ऑरिगैनो और चिल्ली फ्लेक्स और नमक, बस इतना ही चाहिए इसके लिए। तो चलिए हम बनाते हैं पिज़्ज़ा पराठा। पिज़्ज़ा पराठा के लिए हमने नॉर्मल आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं, और इसको रोटी बनाने जैसा ही गूंद लेना है। और हमारा ये आटे का डो है, इसी से हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पराठा। ये हमने एक पराठे बनाने जैसा डो ले लिया है, और इसको हम सूखा आटा लगाकर जिस तरह से पराठा घर में बनाते हैं वैसे ही इसको बेल लेंगे। पराठे पे पहले हम घी लगाएंगे। अब इसे हम सेंटर से इतना काट लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब इस पर हम चीज रख देंगे। इधर थोड़ा कॉर्न डालेंगे, प्याज, गाजर, हरी मिर्ची, टमाटर, मोजरेला चीज, चिल्ली फ्लेक्स, ऑरिगैनो सॉस, नमक और काली मिर्च। तो हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे। ये देखिए हमारा ये फोल्ड हो गया है। पे सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हल्के हाथ से दबा देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे दबाते रहें। आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, सैंडविच टोस्टर में भी बना सकते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। कि हमने ये बेल लिया है इस तरह से। पैन हमारा गरम हो गया है और इसमें इसे रख देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे 2 मिनट के लिए। अब इसे भी देख लेते हैं। ये देखिए पराठा हमारा कितना अच्छा फूल गया है। अब इस पर थोड़ा घी लगा के इसे जैसे पराठे पे लगाते हैं वैसे ही उतना ही घी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसे हम अब पलट देंगे। ये देखिए अच्छे से सिक गया, और गैस को बिल्कुल सिम पे रखना है जिससे कि पराठा अंदर तक सिक जाए, गले नहीं। इसे फिर से ढक देंगे। पिज़्ज़ा पराठा हमारा बहुत अच्छा बना है, अच्छे से सेक लेंगे इसे। अब पिज़्ज़ा पराठा रेडी है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये भी हमारा पराठा अच्छे से फूल गया है। पिज़्ज़ा पराठा हमारा रेडी है, और देखिए एक एक करके परतें भी अच्छे से खुल रही हैं, इसकी सारी परतें खुल जाती हैं। ये देखिए
तो रेडी है हमारा पिज़्ज़ा पराठा, इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। सॉस से गार्निश करते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।